अल्लाहु अकबर। ये भाई मुझे क्यों बुलाया आपने? तो यार तुम्हारा दोस्त नहीं अमजद, वो बहुत ही इंतहाई घटिया बंदा है यार। यार आप इस तरह कैसे कह सकते हैं, वो तो इतना शरीफ बंदा है यार। यार तुम्हें लगता होगा अच्छा बंदा, मुझे नहीं लगता, वैसे ही है यार, फारग है वो। अरे वो आपका इतना अच्छा दोस्त है, आप उसकी पीठ पीछे बुराई करें, ये तो गीबत में आ जाता है। गीबत? ये मुझे तो नहीं पता गीबत क्या होती है भाई। ये गीबत बहुत बुरी चीज है, आए मौलाना के पास चलते हैं, आपको इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मौलाना साहब आज ऐसी कोई अच्छी सी बात बताएं जो हमें पता ना हो। जी बेटा, वैसे तो बहुत सारी नेक बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक नेकी जिसके बारे में, तौबा। तौबा एक बहुत बड़ी नेकी है। वैसे तो इंसान को गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे गुनाह हो जाए तो आपको फौरन तौबा करनी चाहिए। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। बहुत बेहतर मौलाना साहब, आज से हम भी इस भी ऊपर अमल करेंगे। बहुत अच्छी बात। मौलाना साहब आपसे एक बात पता करनी। जी जी पूछिए। ये मौलाना साहब गीबत क्या होती है, गीबत के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने शकील भाई। गीबत होता है किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करनी। इस बारे में रसूल खुदा का फरमान भी है कि गीबत करने वाले शख्स की अल्लाह ताला 40 रोज की शब और रोज़ की इबादत को कबूल नहीं करता, उस वक्त तक के जब तक वो आदमी उससे माफी नहीं मांग लेता जब तक के जिसकी उसने गीबत की होती है। साहब क्या कोई गीबत की माफी भी है कि नहीं? जी बेटा बिल्कुल, अल्लाह के यहाँ हर गुनाह हर चीज की माफी है सिवाय शिर्क के। अगर आपसे कोई भी गुनाह गीबत हो जाती है तो आप सिद्क के दिल से अल्लाह के हुजूर माफी मांगे और कोशिश करें कि ये दोबारा ऐसा काम ना करें, और जिससे बुराई की है जिसकी गीबत की है उससे भी आप माफी मांगे। और बेटा मजीद ये कि माफी ये है कि अगर आपने जिस गुनाह से माफी मांगी है उस गुनाह को दोबारा कभी नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी माफ़ी कबूल हो और आपके अमाल बेहतर हो सके। जी मौलाना साहब मैं अब समझ चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगा। मौलाना साहब इजाज़त है मुझे, मैं 2 रकअत नमाज तौबा अदा करूँ और अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकूँ। जी बेटा जरूर जरूर जल्द। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू माफ़ करने वाला है। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम। अमजद भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अमजद भाई माफ़ कर दे मुझे। क्या हुआ भाई, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं आप मुझसे? हिम्मत करने की बहुत सारी आदत थी, मैंने अनजाने में आपकी भी बहुत सारी हिम्मत कर दी। अभी मुझे पता चला है गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। माजिद भाई मुझे माफ़ कर दे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैंने माफ़ किया आपको, अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा।